और वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव से दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पर शर्मा ने खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। अजय यादव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। सर, जब आप ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन बने थे, आपने साफ तौर पर कहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ते हुए जो है इच्छा आपकी कहीं ना कहीं है, लेकिन इस सीट की बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की बात करते हैं, बंसीलाल परिवार वहाँ देखने को मिलता हुआ नजर आता है, किरण चौधरी जी कह रही है कि श्रुति चौधरी वहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी, किस तरीके से आप समझ रहे हैं सर? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किरण चौधरी और जो श्रुति चौधरी का जी का जो है उस इलाके में वर्चस्व है, और वो अगर चुनाव लड़ना चाहती हैं तो मुझे लगता है कि पार्टी इस मामले में जरूर उस पर गौर करेगी। सर, जिस तरीके से उम्मीदवारी घोषित उनकी तरफ से कर दी गई और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान निकल कर सामने आया, उन्होंने कहा कि एक पार्टी में प्रोसेस होता है कि किस तरीके से उम्मीदवारों का चयन होता है। हाँ, वो तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी। फिर श्रुति चौधरी तो क्लेम कर रही है ना, मैं भी क्लेम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे क्लेम करने बात थोड़ी ना बनती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी क्लियरेंस देगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर नहीं लड़ेंगे तो हम अपना काम करेंगे। सर, इसके अलावा एक दो छोटे छोटे प्रश्न, जननायक जनता पार्टी और हरियाणा सरकार में जिस तरीके से उनकी सहभागिता है, बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार चलाती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से आप देखते हुए नजर आ रहे हैं? पिछले दिनों जिस तरह की परिस्थिति गठबंधन को लेकर तगड़ी बयानबाजी जो है देखने को मिलती हुई नजर आई थी, गुड़गांव में पानी भर गया, बोट जैसे अगर बोट चलाएं आप किस्ती चल जाती, अगर जो मिलेनियम सिटी है देश का वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, राव इंद्रजीत सिंह जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, सिविल हॉस्पिटल जो है वो तोड़ दिया वो नहीं बना, डिफेंस यूनिवर्सिटी बननी थी वो नहीं बनी, कोई वहाँ पर मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई अच्छा सरकारी अस्पताल नहीं है, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में गुड़गांव पिछड़ रहा है, राव इंद्रजीत सिंह की जो उपलब्धि वो शून्य है, एम्स के बारे में लोगों को बरगला देते हैं। सर, एम्स को लेके अभी उन्होंने फेसबुक जो है अपडेट किया, उन्होंने कहा है कि जो जमीन है वो जो है जो आवंटित है वो होती हुई जो है नजर आई है, क्या कहना चाहेंगे? दो साल से कह रहे हैं ये बात बार बार, अब ये दिसंबर में पत्थर रख देंगे, पत्थरों को हमने सिर पर लेके जाना है क्या? हाँ सर, एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा वापस हरियाणा कांग्रेस को लेकर ही, कि कई सारे नेताओं के सर और वरिष्ठ नेताओं के भी बयान निकल कर सामने आते हैं कि जो भी कार्यक्रम हरियाणा में कांग्रेस के देखने को मिलते हुए नजर आते हैं उनमें नेताओं को जो है पूछा नहीं जाता है, आप सर ओबीसी डिपार्टमेंट के चेयरमैन तो हैं लेकिन हरियाणा से भी आते हैं, आपके साथ किस तरीके का व्यवहार जो है देखने को मिलता है? मेरे को तो सब बुलाते हैं लेकिन मैं अपने काम में इतना व्यस्त हूँ, मुझे तो अभी चार प्रदेश हैं वहाँ चुनाव हैं, आपके तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तो वहीं टाइम लगाना पड़ता है, फिर मुझे अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में टाइम लगाता हूँ, मेरे पास जो है समय जो है अभी हम जो अभी जो चार जो स्टेट हैं जहाँ चुनाव आने वाले वहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं, और लोकसभा के लिए आज मीटिंग हुई है। तो ये कैप्टन अजय यादव जी थे जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे, कैमरामैन दीपक चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी दिल्ली।